हाय हेलो नमस्कार मुझ जब आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो काली कौन पर भिड आसी बोली बहुत पिला क्वेश्चन थिला आउ मते मेसेज आउ कमेंट्रे पचारे तो मुझे कही रखुच्छी किसी पर्सनाल कारण काली भिडी मुझे टोटाल तैयारी कर पारी आउडी से आसानी तो से आपको बहुत सरी। तो ठीक अच्छे आम आज भिडी स्टार्ट करवा। तो ठीक अच्छे आज भिडियो आम डिस्कसन करवाई जाऊँ 4070 नर्सिंग अफिसर पोस्ट पर मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन आंसर उपर। ठीक अच्छे तो जब भिडियो आपको भल लगे तो निश्चित लाइक करूँ कमेंट करूँ आउ आप सांग सहित आप ग्रुप से सेयार करूँ आम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप आउ टेलीग्राम लिंक अच्छे जल्दी जल्दी से जॉइन होती आम सहित किसी भी डिस्कसन करेंगे आउ किसी भी आप क्वेरी रहा पचारिपारे। तो ठीक अच्छे चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को अल रखु। तो ठीक अच्छे अब भिडियो भाई मुझे भिडियोर 6 नंबर में गोटे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचारि तार राइट आंसर आपको देवार अच्छे कमेन्ट्रे। ठीक अच्छे देखिए केते जन पिला माने केते जन भाई भोनी माने कमेंट दौंती ठीक से। तो ठीक अच्छे आज भिडियो स्टार्ट पूर्व मुझ गत जो भिडियो पब्लीश होता तार गोटे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचार दी तार आंसर आपको देवाई कही तो राइट आंसर मुझे भिडियो कहीदे शुणु। तो ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन टी मुझे आइडेंटिफाई द इमेज तो बहु कष्टिकर टे तो कितु बहुत पिला मुझे देखिपे बहुत पिला जितक भी मानते पार्टिसीपेट करती कमेंट दिं सब तो रईट आनसर दे कि पिला कनफ्यूज होती बहुत पिला मेनली रईट आनसर दे। ठीक अच्छे जमा भी व्यस्त हो आर रईट आनसर कही दूँ। तो ये ट्राक्शन कौन ना डनलप ट्राक्शन जोटा कि ऑप्शन बी रे थिला मुझे ऑप्शन देखे दूसरी देखते जोटा कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज डनलप ट्राक्शन। ठीक अच्छे जमा भी भूल ए ट्राक्शन कौन ना डनलप ट्राक्शन मुझको भी डनलप ट्राक्शन देखे दूसरी डनलप ट्राक्शन आम कौन पर यूज हुए आगो आप इमेजा को जमा भी भूलिए ना मन रखु आदि भी आपको किसी भी डाउट लगुच स्क्रीनशॉट कर रखु ना निजे खाता कलम लिखिक रखु गोटे गोटे गोल्डन पॉइंट टाइप रोटे किसी लिखि दिंतु जहाँकि आप एग्जाम पूर्व देखिकी जाइए। तो ठीक अच्छे मुझको कही रखुच्छी डनलप ट्राक्शन कौन तो देखो डनलप ट्राक्शन डनलप स्किन ट्राक्शन इज अप्लाइड टू चिल्ड्रेन विथ सर्टन अपर आर्म फ्रैक्चर्स दैट नीड टू रिमेन इन ए फ्लेक्ट पोजिशन टू प्रिभेन्ट प्रोब्लेम्स विथ सर्कुलेसन एंड नर्वस आराउंड द एल्बो। ठीक अच्छे मेनली यहाँ चिल्ड्रेन मान क्षेत्र में कराए जहाँकि आम अपर आर्म जब फ्रैक्चर अच्छी देन ताकूर मैंने गोटे फ्लेक्सड पोजिशन रखापी आम यो डनलप ट्राक्शन टा यूज हुए तो इमेज टी जमा भी भूलो ना इमेज टी भल से भाव मन रखु। ठीक अच्छे आज वीडियो सेक्शन टी आम स्टार्ट करवा। तो देखु तो ठीक अच्छे आज वीडियो फास्ट क्वेश्चन को आम देखा तो फास्ट क्वेश्चन देखो फास्ट क्वेश्चन कौन देखिए ना एक्सरे स्टडी ऑफ फालोपियन ट्यूब इज कॉल्ड कौन कहला ना एक्सरे स्टडी ऑफ फालोपियन ट्यूब को आम कौन बोली कहू ऑप्शन देखो माइलोग्राफी ना ना पाइलोग्राफी ना सल्फिंजोग्राफी ना फालोग्राफी। ठीक अच्छे मन रखु एक्सरे स्टडी ऑफ फालोपियन ट्यूब आप मन डाउट आसपुर ना फालोग्राफी जेहतु फालोपियन ट्यूब अच्छी फालोग्राफी तो जमा भी हमने फालोग्राफी तो राइट आंसर जब आपको जना अच्छे तो तले जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु ना आपको राइट आंसर कही रखुच्छी मन रखु दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज सल्फिंजोग्राफी। ठीक अच्छे मन रखु सल्फिंजोग्राफी कौन ना स्टडी ऑफ फालोपियन ट्यूब जमा भी भूलो ना जब भी भावुं भूलीजे गोटे खातार निजे लिखि दिंतु स्टडी ऑफ फालोपियन ट्यूब सल्फिंजोग्राफी। ठीक अच्छे तो सल्फिंजोग्राफी कौन मुझे देखे दूसरी देखो रेडियो ग्राफिक विजुअलाइजेशन ऑफ द फालोपियन ट्यूब्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ रेडियो ओपाक्यू सब्सटेंस कौन कहला ना आम कि सब्सटेंस कि इंजेक्शन दि जाएगी आमर कौन हुए ना विजुअलाइजेशन कराए फालोपियन ट्यूब रे जदि किसी भी प्रॉब्लम अच्छी कि किसी भी डेविएशन अच्छी तो ताको आम कौन बोली कहू ना सल्फिंजोग्राफी। ठीक अच्छे भाजपा आप मैंने मन रखिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दुई नंबर गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो ए नर्स आडमिट्स ए चाइल्ड टू दि हस्पिटाल विथ ए डायग्नोसीस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसीस ऑन एडमिशन असेसमेंट व्हिच डाटा वुड द नर्स एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन व्हेन आस्किंग द मदर अबाउट चाइल्ड सिम्टम्स। ठीक अच्छे कौन कहला भलसे देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड होवार बहुत चांस अच्छे बहुत थर भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम ये क्वेश्चन आसीचे। ठीक अच्छे देखो कौन कहला ना जड़े नर्स कौन कले ना गोटे चाइल्ड को गोटे जो एडमिटेड हो चाइल्ड तो तार कौन हो पाइलोरिक स्टेनोसीस डायग्नोसीस से एडमिशन हो तार लिखा अच्छी असेसमेंट रे पाइलोरिक स्टेनोसीस अच्छी कोई डाटा जड़े नर्स कौन कर ना जितेबले मदर को पचार एबाउट चाइल्ड्स सिम्टम से कौन शुणा को पाइब। ठीक अच्छे कौन शुणा को पाइब कि मानने चाइल्ड रिलार कौन होता बोली मदर तक कौन कहे। ठीक अच्छे भावी क्वेश्चन टी आप निश्चिंत बुझीपारे जदि न बुझीपारे बैक कर दिखुद देखूँ जमा भी स्कीप करूँ ना। ठीक अच्छे
तुम आपको ऑप्शन टी देखे दूसरी ऑप्शन देखो ऑप्शन ए कौन दे वोमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल माने तांको माँ कहते कि कौन लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल माने वोमिटिंग कले ना प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग ना वाटरी डायरिया ना इंक्रीज यूरीन आउटपुट तो यही चारोटी ऑप्शन भितर कोटा राइट आंसर हम जोटा कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्षेत्र में तो देखो जदि आपको तो राइट आंसर जना कह दिंतु ना मुझे गोटे पॉइंट कह रखुच्छी मन रखु जितेबाला पाइलोरिक स्टेनोसिस सेठी मोस्ट प्रिफर हम कौन मोस्ट जो सिम्टम आम कौन देख ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग गोटे एमती वार्ड जी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस सब बेले लिंक थाए ठीक अच्छे भाभी आपने बुझीपारे आ प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहले कौन ना बहुत मात्रा रे पूरा वोमिटिंग पूरा हो तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कौन मुझे इमेज देखेदेवी तो देखो ये कौन देती ना प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज नोटेड इन ए बेबी विथ पाइलोरिक स्टेनोसिस इज फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग दिस काइंड ऑफ वोमिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ए वेट बर्थ दैट ए बेबी मे हैव एट द एंड ऑफ फीडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला आर वोमिटेड एंड मे गो सेभराल फिट आक्रस ए रूम ठीक अच्छे तो ये प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग माने गोटे नॉर्मल वोमिटिंग नुह जमीक पे बांति करती जस्ट मानते कि मानने मिल्क खाइबा ठीक अच्छे कि कौन ना लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आउ किसी आमर जब तार फर्मुला आर वोमिटेड कौन है ना कि फिट मानने मानते बांति करुवे जमीक पूरा केत बाट पड़ू तो आम कौन कहू ना पूरा फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग तो पाइलोरिक स्टेनोसिस देखा जाए मेनली पाइलोरिक स्टेनोसिस कौन हुए तो इमेज टी देखो मुझे आपको बुझे दूसरी तो पाइलोरिक स्टेनोसिस कौन हुए ना ये जो आम पाइलोरिक स्पिंटर थाए पाइलोरिक मसल थाए से कौन हुए ना योटा कौन ना आम आब्डोमेन आब्डोमेन और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोटा कनेक्ट करें जोटा कि आम पाइलोरिक मसल थाए तो से पाइलोरिक मसल कौन हुए ना पूरा जाकी हो जाए जो कि आम स्टोमाक भितर फूड पार्टिकल किसी भी जापे ना जोटा मोर है स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडोनम को डिओडोनम फास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन फास्ट पार्ट हूँ आम डिओडोनम तो डिओडोनम को जमा भी खाद्य जापे ना तो से कौन हुए ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो न जापे ये आम आब्डोमेन रहा आम खाद्य पदार्थ तो से कौन हुए ना आम पूरा पूरा गोटे फोर्सफुल वोमिटिंग आमको देखाए वोमिटिंग बेले पूरा फोर्सफुल जोटा कि फिट मानते कि दूर को पूरा पड़ू थी पूरा से भाई आमको लगे कौथे ना जितेबाला मोस्ट कमनली पाइलोरिक स्टेनोसिस आम होता है भाबूँ आप बुझीपारे तो देखो तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तीन नंबर सेफ डिस्पोजल ऑफ मर्क्यूरी इज बाय कौन देखिए ना डिस्पोजल मर्क्यूरी को आम कमी डिस्पोजल करवा आपण मैंने जानते हैं प्लास्टिक जमी रेट पड़ो आ कटन कटन जो वेट अच्छे आम ब्लडी कटन कि आम जब किसी पस विथ कटन से सब आम येलो पड़ो कि आम भाइल कि आंपुल आम ब्लू रे पड़ो सेमती सेफ डिस्पोजल ऑफ मर्क्यूरी मर्क्यूरी को आम कमी सेफ डिस्पोजल करवा यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन देखो कलेक्टिंग केयरफुली एंड रिसाइक्लिंग इनसिनरेशन करिबा ना ट्रीटमेंट विथ केमिकल्स करिबा ना डीप बुरियल करिबा ठीक अच्छे तो जमी आम आम बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अनुजाई आम जमी प्लास्टिक को इनसिनरेशन करुचे कि मानने बुरियल करुचे मानते पोति दौचे डीप बुरियल करुचे कि इनसिनरेशन करुचे सेमती मर्क्यूरी केस रे कौन हम ठीक अच्छे यहाँ क्वेश्चन पचार तो आपको जी आंसर जना चारिटी ऑप्शन भितर तले गोटे कमेंट कर दिंतु तो आर राइट आंसर कौन हम मुझे कहीदेवी देखो मर्क्यूरी हूँ गोटे हाजार्डियस सब्सटेंस जी कि आम कि भी जदि आम पार्टी लगुच कि आम बॉडी में लगुच बहुत हार्मफुल तो से तार ये राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज कलेक्टिंग केयरफुली एंड रिसाइक्लिंग कलेक्ट कर पूरा केयरफुली आउ रिसाइक्लिंग मर्क्यूरी हो ठीक अच्छे भाबूँ आप बुझीपारे तो मुझे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखे दूसरी देखूँ व्हेन प्रोडक्ट कंटेन्स मर्क्यूरी आर प्लेस्ड इन द ट्रैश द मर्क्यूरी डज नॉट डिसअपीयर इट फाइंड्स इट्स वे इनटू द एनवायरनमेंट दैट्स व्हाई मर्क्यूरी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ विथ रेगुलर ट्रैश और पाउंड डाउन द ड्रेन मर्क्यूरी प्रोडक्ट्स आर एंड कंपाउंड्स मस्ट बी रिसाइकल्ड और मैनेज आज ए हाजार्डियस वेस्ट ठीक अच्छे आम जमी गोटे हाजार्डियस वेस्ट को मैनेजमेंट करूँ तो से भाई भाव से मैनेज हम आउ कौन हम ना भल से पूरा कलेक्ट करवा रिसाइकल भी करहब ठीक अच्छे भाबूँ आप बुझीपारे तो यही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने पर चैनल को एवं सब्सक्राइब करूँ आज वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ और शेयर करूँ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर देखो कौन देती द नर्स इज क्यारिंग फर ए क्लाइंट विथ गॉट
which of the following laboratory values does the nurse expect to note in the client? तो कौन कहिला ना जने नर्स अछंदी जे कि कौन करछंदी ना गोटे पेशेंट को क्यारी करछंदी बा नै छंदी जहार कि गॉट हेची तो से कौन ताकतरे एक्सपेक्ट करिवे ठीक अछि। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन कोन दिछि ना यूरिक एसिड लेवल ऑफ 8 mgdl ना कैल्शियम लेवल ऑफ 9 mgdl ना फास्फोरस लेवल 3 mgdl ना यूरिक एसिड लेवल 5 mgdl कोन ना राइट आंसर कोन होबो देखंतु कोन कहिला तो देखो ये राइट आंसर कौन हम जब जना आप तले कमेंट कर दिखाँ कौन कहला ना गोटे गॉड पेशेंट नर्स जन क्यारी कर तो ता क्षेत्र में जन नर्स एक्सपेक्ट कौन करेंगे कौन गोटे एक्सपेक्ट नोट करेंगे ठीक अच्छे। ये चारिटे ऑप्शन रू कौटा राइट आंसर हम दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज यूरिक एसिड लेवल ऑफ 8 mgdl जोटा कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक अच्छे। तो मुझे एक्सप्लेनेशन आपको बुझे दूसरी आपने निश्चित बुझीपारे तो देखो कौन देती ना गॉड्रे कौन हुए देखो गॉट इज ए टाइप ऑफ आर्थराइटिस इट अकर्स व्हेन यूरिक एसिड बिल्ड्स अप इन द ब्लड एंड कॉजेस इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। तो कौन कहला देखो आपको मुझे देखे दूसरी कौन कहला सी ना गॉट गोटे कौन ना गॉट हूँ गोटे इन्फ्लेमेशन जो थे कि कौन हुए ना यूरिक एसिड आम जो ब्लड रे यूरिक एसिड आम ब्लड रे रेज हुए जोटा कि आम जॉइंट पाखे पहुँचिकी आम से स्वेलिंग कराए आउ इन्फ्लेमेशन कराए जो कि आमर कौन हुए ना आमर पेन हुए आम जोटा कि गॉट डिजीज देखा जाए। तो गॉट डिजीज रे कौन हुए मेनली यूरिक एसिड रेज थाए तो नॉर्मल यूरिक एसिड आम नॉर्मल के तो नॉर्मल यूरिक एसिड हूँ आम के 3.5 to 7.2 ठीक अच्छे। नॉर्मल हूँ आम एति तो नॉर्मल जदि एतिकला जी गट जार होती तार एक्सेस देखो जेहतु एक्सेस यूरिक एसिड ता बॉडी रे अच्छी से मानने गट हो गट डिजीज होती तो ये राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन ए दैट इज राइट आंसर 8 mg/dl ठीक अच्छे। कौन है ना यूरिक एसिड जी आम बॉडी रे अधिका रोचे देन आमको गट देखा जाए गट डिजीज देखा जाए जोटा कि मसल पेन एंड जॉइंट्स रे आम यूरिक एसिड लगे जोटा कि यूरिक एसिड एक्सेस होकर आमको जॉइंट पेन कराए। तो मुझे तार इमेज टी देखे दूसरी देखो देखो इमेज रे कौन हम मेनली ना यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जोटे आम जॉइंट रे मेनली कौन हम ना यूरिक एसिड डिपोजिट हम जो कि आम कौन हम ना आम जॉइंट्स जगह मसल स्वेलिंग हम एंड पेन देखा भाजपा आप मैंने बुझीपारे तो ठीक अच्छे। आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती 5 नंबर द आइडियल प्लेस टू रेकर्ड द टेम्परेचर इन ए डेड बॉडी इज फ्रॉम। तो कौन कहला भल से शुणु से कौन दे कौन कहला ना गोटे आइडियल प्लेस टू रेकर्ड द टेम्परेचर इन ए डेड बॉडी गोटे मान मरीजा मनीषर कौटी आम टेम्परेचर को रेकर्ड करवा कौ प्लेस कौटा हम आम आइडियल प्लेस गोटे मरीजा मनीषर टेम्परेचर जब आम मापे चाहूचे ठीक अच्छे। ऑप्शन देखो आजिला ना ग्रोएन ना रेक्टम ना माउथ जदि आपको आंसर जना आपको काम आप निश्चित तले कमेंट कर दिंतु। तो मुझे आपको कही रखुच्छी यार राइट आंसर कौन हम ना डेड बॉडी क्षेत्र में आम आइडियल प्लेस हूँ दैट इज ऑप्शन सी रेक्टम। तो रेक्टम रे मेनली आम के टाइम है गोटे पेसेंट डेथ कला से कौन हुए ना आम रेक्टम रे तार टेम्परेचर मपा हुए अकॉर्डिंग टू फोरेन्सिक लैबोरेटरी जो मैंने काम करती तो से कौन करती थाए कि डिग्री सेलसीयस कम गोटे पेसेंट घंटाई डेथ पर कितने डिग्री कम आमर 2 घंटा डेथ पर तो से टेम्परेचर मानते मेजर हुए तो से मोस्ट आइडियल प्लेस हूँ कौटा ना रेक्टम ठीक अच्छे। भाजपा आपने बुझीपारे तो मुझे एक्सप्लेनेशन देखे दूसरी देखो कौन कहला ना आइडियाली द बॉडी टेम्परेचर इज टेकन आइदर रेक्टाली और बाय मेजरिंग द लिभर टेम्परेचर ठीक अच्छे। रेक्टाली नले आमर कौन ना लिभर टेम्परेचर आमर यही दुटा मेनली आक्युरेट देखा जाए कौथे ना आमर गोटे डेड बॉडी व्हिच मे बी मोर आक्युरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रू कोर बॉडी टेम्परेचर जोटा कि आम कौन करूँ ना कोर बॉडी टेम्परेचर मापापी आम से यूज कर आइडियाली ठीक अच्छे। भाजपा आपने बुझीपारे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टा आपण पई अछि जोटा कि मु आपण को पूर्व कहितली कि 6 नंबर टा आपण पई क्वेश्चन अछि देखंतु 6 नंबर क्वेश्चन ने कोन देजी ना सीपीआर मेथड शोन इन द इमेज इज यूज्ड फॉर देखंतु
ଭଲ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଭଲ ସେ ଦେଖିଲେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଲିଖିତ ଇମେଜରେ ଦେଇଛି କ'ଣ କହିଲା ନା, CPR ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବାଛିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି ଏୟାର ୱେ ପାଇଁ, ନା ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି ବ୍ରିଦିଙ୍ଗ ପାଇଁ, ନା ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି ସର୍କୁଲେସନ୍ ପାଇଁ, ନା ଏଇଟା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବବ୍, କୌଣସି ପାଇଁ ବି ଦିଆହେବନି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କାମ ତଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲସେ ପିକ୍ଚରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟାନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ପିଲା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ଓପନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଯେମିତିକି OEEE ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜମା ବି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍, ବ୍ଲଡ୍ରେ ଯଦି ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଲା ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଆନୋସିସ୍, ନା ଆନୋରେକ୍ସିଆ, ନା ହାଇପୋକ୍ସିଆ, ନା ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ର ମାନେ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆନୋସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସିଆନୋସିସ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲୁଇସ୍ ଡିସ୍କଲରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କିନ୍ ଅର୍ ଲିପ୍। ଯଦି ଆମର ସ୍କିନ୍ କି ଲିପ୍ ଆମର ବ୍ଲୁଇସ୍ ଡିସ୍କଲରେସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା ସିଆନୋସିସ୍। ଆଉ ଆନୋରେକ୍ସିଆ କ'ଣ, ଆନୋରେକ୍ସିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଟିଂ ଡିଜର୍ଡର୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଫିଅର୍ ଥାଏ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଖାଉଛୁ ଆମେ ଦେନ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆନୋରେକ୍ସିଆ। ଆଉ ହାଇପୋକ୍ସିଆ କ'ଣ, ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହେଉଛି, ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲୋ ଇନ୍ ଦ ଟିସ୍ୟୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯଦି ଆମର ଲୋ ହେଲା ଟିସ୍ୟୁରେ ଆମେ ତାକୁ ହାଇପୋକ୍ସିଆ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ଥ କ'ଣ, ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ। ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ହାଇପୋସେମିଆ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆମର ଯଦି ବ୍ଲଡ୍ରେ କମିଗଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇକରି ଲେଖିଦେବେନି କି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ସିଆନୋସିସ୍ କି ହାଇପୋକ୍ସିଆ, ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଟର୍ମ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କରିକି ଆସିବେ OEEE। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲସେ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ ଇଜ୍ ଏ ବିଲୋ ନର୍ମାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବ୍ଲଡ୍, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଇନ୍ ଦ ଆଟରିଜ୍। ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଦିଙ୍ଗ୍ ଅର୍ ସର୍କୁଲେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ମେ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ସର୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଥ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମେନ୍ଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ରହୁଛି, ସରି ବ୍ଲଡ୍ରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ହାଇପୋକ୍ସେମିଆ ବୋଲି କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିବ, ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍ କନେକ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ଟେଣ୍ଡନ୍ କନେକ୍ଟସ୍, ଟେଣ୍ଡନ୍ ଆମକୁ ଆମର କାହାକୁ କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍, ବୋନ୍ ୱିଥ୍ ବୋନ୍, ବୋନ୍କୁ ବୋନ୍କୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ କନେକ୍ଟ କରାଏ, ନା ମସଲ୍ ୱିଥ୍ ଲିଗାମେଣ୍ଟକୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ କନେକ୍ଟ କରାଏ, ନା ମସଲ୍ ୱିଥ୍ ବୋନ୍କୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ କନେକ୍ଟ କରାଏ, ନା ମସଲ୍ ଟୁ ମସଲ୍କୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ କନେକ୍ଟ କରାଏ। ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝାଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ତ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଟେଣ୍ଡନ୍, ଟେଣ୍ଡନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଟେଣ୍ଡନ୍ ହେଉଛି କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରେ, ନା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମସଲ୍ ୱିଥ୍ ବୋନ୍, ଟେଣ୍ଡନ୍ ଆମର ମସଲ୍ ୱିଥ୍ ବୋନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରେ। ଏଠି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଥାନ୍ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯଦି ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତା ନା, ଯଦି ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତା ଲିଗାମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଲିଗାମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କରେ ନା, ବୋନ୍ ୱିଥ୍ ବୋନ୍କୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କନେକ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ମସଲ୍ ୱିଥ୍ ବୋନ୍କୁ ଟେଣ୍ଡନ୍ କନେକ୍ଟ କରେ। ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଟେଣ୍ଡନ୍ଟି କାହାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଇମେଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଣ୍ଡନ୍ କନେକ୍ଟସ୍ ୟୋର୍ ମସଲ୍ସ ଟୁ ୟୋର୍ ବୋନ୍ସ, ଦେ ଲେଟ୍ ୟୋର୍ ବୋନ୍ସ ମୁଭ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ମସଲ୍ ଟାଇଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେଣ୍ଡନ୍ ମସଲ୍ର ରିଲାକ୍ସ ଆଉ ଟାଇଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ମସଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୋନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲ୍ ଆଉ ବୋନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟେଣ୍ଡନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହେଲ୍ପ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9, ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ୱିଲ୍ ପମ୍ପ ଲିଟର୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍, ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆମର କେତେ ଲିଟର ବ୍ଲଡ୍ ପମ୍ପ କରେ ଜଣେ ମଣିଷର ହାର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣାଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଲିଟର, 5 ଲିଟର, 8 ଲିଟର, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବବ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଲିଟର ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ହାର୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ବ୍ଲଡ୍,
ठीक अच्छे देखु कौन कहला ना 3 लिटर ना 5 लिटर ना 8 लिटर ना 9 देव ठीक अच्छे आर राइट आंसर कौन हम देखु दैट इज 9 नंबर बी हूँ राइट आंसर दैट इज आवरेज गोटे ह्यूमन आडल्टर के 5 लिटर आमर ब्लड पंप हुए पर मिनिट्रे ठीक अच्छे बाबूजी आप भूलिए जमा तो देखु मुझे एक्सप्लेनेसन में कहीदेगी देखु इट्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल यहाँ भी डिपेंड करे गोटे कहार डिजीज थी हार्ट डिजीज थी कि कहार प्रोब्लेम किसी थी आमर एज अनुसार डिपेंड करे तो देखो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर साइज यूजुअली एन एडल्ट हार्ट पंप्स अबाउट 5 लिटर ब्लड पर मिनिट एट रेस्ट कौन कहला ना गोटे रेस्ट गोटे हार्ट आमर एडल्ट हार्ट रेस्ट रे प्राय आप्रोक्सीमेटली 5 लिटर ऑफ ब्लड पंप करे पर मिनिट रे बट व्हेन यू रन और एक्सरसाइज योर हार्ट में पंप 3 to 4 times दैट मच टू टेक टू मेक श्योर योर बॉडी गेट्स एनफ ऑक्सीजन एंड फ्यूएल तो कौन कहला ना आम जो गोटे रेस्ट करूँ तो आम नॉर्मल एडल्ट केते पंप करे हार्ट आमर 5 लिटर पंप करे किंतु जदि आम एक्सरसाइज करवा कि दौड़ा करवा रन करवा तो से कौन हुए ना आम 3 to 4 times पंप करे जोटा कि आम बॉडी को ऑक्सीजन पहुँचे तो ठीक अच्छे बाबूजी आप बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर प्रेशर पॉइंट्स ऑफ बेडसोर कौन कहला बेडसोर आपने जानते प्रेशर सोर जहाँ कहते जोटा कि मेनली इमोबिलिटी पेसेंट जदि आम पूरा बेड्रे बेड्रिडेन ही पड़ुं बहुत समय धरिकी तो बैक्रे हो कि जो आम सब पॉइंट रहा कौन हुए ना आम किसी ऊन टाइप रही जाए जहाँ आम कौन कहूँ ना बेडसोर ठीक अच्छे तो बेडसोर पॉइंट सब कौटा यही अप्सन भितर देखो सैक्राल रीजन में बेडसोर हुए ना ऑसिपिटल रीजन में ना स्कापुला रीजन में ना ऑल ऑफ द अबव ठीक अच्छे भाजी ये क्वेश्चन आंसर समस्ते राइट आंसर देते तो जब जना अच्छे तले निश्चित कमेंट कर दिंतु तो आर राइट आंसर कौन हम ना प्रेशर पॉइंट आम बेडसोर कौटी देखा जाए ना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबव यही तीन टा सबुथे देखा जाए आम बेडसोर तो मुझे आपको बेडसोर पॉइंट भी देखे दूसरी इमेज रे तो देखो ये जगह रे जदि जड़े आम सुपाइन ही शोला सुपाइन पोजिशन शोला देन तार बैक ऑफ द हेड जो रहा ऑसिपिटल शोल्डर एल्बो बटक्स हिल ये सब आम बेडसोर होबार बहुत चान्स थाए आउ जदि गोटे पेसेंट आमर गोटे साइडेड ही शोला गोटे लेफ्ट साइडेड कि आम राइट साइडेड शोला तार मेनली कौन अफेक्टेड हुए ना इयर शोल्डर एल्बो हिप थाई लेग एंड हिल देखु भलसे मन रखु आदि गोटे पेसेंट प्रोन पोजिशन शोला तार कौन कौन अफेक्ट करे ना एल्बो रिपकेज थाई नीज एंड टोज तो मेनली जदि गोटे पेसेंट इमोबिलिटी होउची तार बेडसोर होबार ए जगार सब अधिक मात्रा चान्स थाए ठीक अच्छे बाबूजी आपने जमा भी भूलिबे नहीं तो ये इमेज टी स्क्रीनशॉट कर रखिपारे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखो ताकायासु इज डिजर्डर ऑफ तो ताकायासु आमर कहार डिजर्डर आपको जब जना अच्छे तो निश्चित कमेंट कर दिखाँ ताकायासु कहला आम कहार डिजर्डर आर्टेरीज डिजर्डर ना भेन डिजर्डर ना लिम्फाटिक्स डिजर्डर ना नर्वस डिजर्डर तो ताकायासु आम कहार डिजर्डर तो देखो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन ए आर्टेरीज आर्टेरीज डिजर्डर को आम कौन बोली कहू ना ताकायासु ठीक अच्छे बाबूजी आप बुझीपारे तो मुझे आपको एक्सप्लेनेसन देखे दूसरी देखूँ आमर देखु ताकायुस आर्टेरीज ताकायुस आर्टेरीज इज ए रेयर टाइप ऑफ वास्कुलाइटिस ए ग्रुप ऑफ डिजर्डर दैट कॉज ब्लड वेसल इनफ्लामेशन इन ताकायासुस आर्टेरीज कौन कहला ना तो इनफ्लामेशन डैमेजेस द लार्ज आर्टेरी दैट क्यारिज ब्लड फ्रम योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी दैट इज आओर्टा एंड इट्स मेन ब्रांचेस तो कौन कहला मेनली ताकायासु आमर कौन करे टाकायासु आर्टेरीज रे टाकायासु आर्टेरीज रे आमर कौन देखा जाए ना आमर आओटा रु जेते बेला आओटा मेनली जोटा आमर हार्ट रु सबुठी की ब्लड सप्लाई करे सेइटा आ तार ब्रांचेस ठीक अछि सेइ दीटा मेनली आमर अफेक्टेड हुए जोटा की सीधे अफेक्टेड हेल्ला ब्लड ठीक से पहुँच पार नहीं तो सहीटा मेनली आम अफेक्टेड हुए किए ना आर्टेरीज ताकायासु डिजर्डर आम किए अफेक्टेड हुए ना आर्टेरीज आर्टेरीज रो मेनली अफेक्टेड हुए किए ना आउटा जी आम मेन आउटा जोटा कि आम सब ठीक आम ब्लड सप्लाई करे ठीक अच्छे भाजपा आपने बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन कौन देती ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट ऑफ फॉर ए पेसेंट विथ ओवरडोज हेपारिन कौन है ना गोटे पेसेंटर ओवरडोज है हेपारिन तो सेठी हमें एंटीडोट हिसाब से क्या यूज करवा ऑप्शन देखो ऑप्शन ए दैट इज प्रोटामिन सल्फेट ऑप्शन बी दैट इज विटामिन के ऑप्शन सी दैट इज एट्रोपिन सल्फेट ऑप्शन डी दैट इज लिग्नोकाइन तो आम क्या यूज करवा
କାହାକୁ ନା ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ଅଫ୍ ହେପାରିନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯଦି ଜଣା ଅଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଟାମିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରୋଟାମିନ୍ ସଲଫେଟ୍କୁ ଆମେ ହେପାରିନ୍ ଓଭରଡୋଜ୍ ହେଲେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଯାହାକୁ ରିଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ହିସାବରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପ୍ରୋଟାମିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 13 ନମ୍ବର ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫର୍ମ ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ କାହାଠୁ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ଆମର କେଉଁଠୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ନା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍ ତ ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ଆମର କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ କହିଲେ ଆମର କେଉଁଠୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ଆମର ଲିଭରରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ତ ଲିଭରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲିଭରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଆମର ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଦଳରେ ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ ଲିଭର ଥାଆନ୍ତା ଆମର ଲିଭର ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲିଭର ଫ୍ରମ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଇନ୍ ପେରିସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେପାଟୋସାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଡେଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 350 mg ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆର ରାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲରୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ କ'ଣ ନା ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ଆଉ ଏଠି ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନଥାଏ ଆମର ଲିଭର ଥାଆନ୍ତା ଏଠି ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଲିଭରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲରୁ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ କେଉଁଠୁ ନା ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଇଲ୍ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲିଭର ଫ୍ରମ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଇନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରିଗର ମୋଟିସ୍ କ'ଣ ରିଗର ମୋଟିସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟିଫେନିଂ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ମସଲ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଡି ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ନା ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ ତ ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ ଆମର ବଡିରେ କେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ଟରେ ନା ଆଇଲେଟ୍ରେ ନା ଫୁଟ୍ରେ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇଲିଡ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଆଇଲିଡ୍ସ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଖି ପୂର୍ବରୁ ତାର ଡେଥ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ଆଖି ଖୋଲା ଅଛି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡେଥ୍ ପରେ ତା ଆଖି ସେମ୍ ଦି ଖୋଲା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ ଆଗ ମେନଲି ଆଇଲିଡ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଆଫେକ୍ଟ କରାଏ ଆଇଲିଡ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତାପରେ ମେନଲି ଆମର ନେକ୍ ରିଜିଅନ୍ ତାପରେ ଅପର ଲିମ୍ ତାପରେ ଲୋୟର ଲିମ୍ ଏସବୁ ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କହି ରଖୁଛି ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପିୟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ମସଲ ଅଫ୍ ଦି ଆଇଲିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଟୁ ଦି ନେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପର ଲିମ୍ସ ଟ୍ରଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଲୋୟର ଲିମ୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲିଡ୍ ତାପରେ ନେକ୍ ତାପରେ ଅପର ଲିମ୍ସ ତାପରେ ଦେନ୍ ଟ୍ରଙ୍କ ତାପରେ ଲୋୟର ଲିମ୍ସ ଦୋଜ୍ ମସଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ରାଇଗର ଆର୍ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଫ୍ଲାସିଡ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଗର ୟୁଜୁଆଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲୋୟର ଲିମ୍ ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମର ମେନଲି ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ପଳାଏ ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ନା ଲୋୟର ଲିମ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଗର ମୋଟିସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଥିବ ଆଲଗର ମୋଟିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଡିକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡିଜ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଯଦି ଆମର ଡିକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ନା ଆଲଗର ମୋଟିସ୍ ଲିଭର ମୋଟିସ୍ କ'ଣ ନା ଡିସ୍କଲରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କିନ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଯଦି ଡେଥ୍ ପରେ ଆମର ଡିସ୍କଲରେସନ୍ ସ୍କିନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଲିଭର ମୋଟିସ୍ ବୋଲି କହୁ ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟିଫନିଂ ଅଫ୍ ଦି ବଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଅକର୍ସ ଏବଟ୍ 2 to 4 hours ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବଡି ଷ୍ଟିଫନିଂ ହୋଇଯାଏ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ନା ରାଇଗର ମୋଟିସ୍ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି 15 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 15 number କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଆଡମିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ସାକ୍ରୋମା ହ୍ୱିଚ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦ ନର୍ସ ୱୁଡ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟ୍ୟୁମର୍ସ ଲୋକେସନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କି ୱିଙ୍ଗସ୍ ସାକ୍ରୋମା ହୋଇଛି ତ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ମେନଲି କେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆମର ଜଣେ ନର୍ସ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଟ୍ୟୁମର୍ ଲୋକେସନ୍କୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଟ୍ୟୁମର୍ ଲୋକେସନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ୱିଙ୍ଗସ୍ ସାକ୍ରମ ତା'ର ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ରେ ଆମର କେଉଁ
आमर कहार मेनली सिम्टम देखिबो बा कोन होबो देखंतु ऑप्शन हेमिप्लाजिया होबो ना अफाजिया होबो ना नोजिया होबो ना बोन पेन होबो देखंतु कोन होबो विंग सैक्रम रे मेनली कोन सिम्टम रहिबो जोटा कि आमर ट्यूमर रो लोकेशन को लक्ष्य करी देखंतु विंग सैक्रम कोन आपन का यदि जानि जानि छंती देन एटी आपन राइट आंसर देई परिबे तो मु आपन को कहि रखु छी एटी ऑप्शन डी हम राइट आंसर दैट इज बोन पेन विंग सैक्रोम मेनली कौन हुए ना विंग सैक्रोम मेनली आम बोन अफेक्टेड होता है जोटा कि बोन पेन बहुत मात्रा हुए ठीक अच्छे मुझे एक्सप्लेनेशन देखीदे विंग सैक्रोम कह कौन ना ये कैंसर दैट मोस्ट ऑफन अकर्स इन एंड अराउंड द बोन्स विंग सैक्रोम कौट देखा जाए ना इन एंड अराउंड बोन रे कि बोन मान अराउंड देखा जाए विंग सैक्रोम विंग सैक्रोम टाइपिकली अकर्स इन चिल्ड्रेन एंड यंग adults it often begins in the legs bones of the pelvis and arms jota ki kono na jehetu amar eta bone ku affected karuchi wing sacrum ta to jehetu wing sacrum amar bone ku affected karuchi to eti right answer kon hobo apan niche kontu option d is the right answer that is bone pain hobo amar right answer thik achi babuji apan mane bujhi parle to eta thila aaj ra video ro last question to ei bhale video ku dekhiba pai channel ku support karantu au video jodi video apan ku bhal lagise like karantu comment karantu au share karantu au jodi eportne subscribe karnandi jaike jaldi subscribe करंतु आ बेल आइकन को ऑल रखंतु ठीक अछि जे आपण हमहु सपोर्ट करथंतु आ आमे आपण को एई भली इंटरेस्टिंग आहुरी वीडियो प्रोवाइड करबो ठीक अछि आ जदि आपण माने पूर्व वीडियो सब देखबो चाहौ छथि तो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि सबुर लिंक अछि तो सेटु जाय मजे आपण माने विजिट करि परिबे आ जदि आपण माने हमर सहित किछि क्वेरी अछि आपणकर के आपण किछि क्वेश्चन पचरा चाहौ छथि आपण टेलीग्राम आ हमर व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक अछि डिस्क्रिप्शन रे सेटि हमर सहित जोडी हेकरि हमको किछि भी आपणकर क्वेरी रहला पचरि परिबे तो ठीक अछि पुनी नेक्स्ट देखाबो आगामी एमदी बड इंटरेस्टिंग वीडियो सहित तो आज मे रहली जय जगन्नाथ।